दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं हूं चंदन और आपका इस चैनल देसी फूडी विद योगी में हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पोटैटो मींस आलू और मूली की सब्जी कैसे बनाई जाती है, वो भी थोड़ी नहीं दोस्तों, बहुत सारे सब्जी, लगभग 100 लोगों की इस्टीमेट। वीडियो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए मिलते हैं वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं सारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और आगे वीडियो में बताते हैं किस प्रकार से बनाया हमने इतनी सारी सब्जियां। हेलो दोस्तों, कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू को छील के रखा गया है, पूरी तरह से, और दूसरी ओर आप देख सकते हैं आलू को काट के रखा गया है। काटने और छीलने का कारण यही है दोस्तों कि आप जब सब्जी बनाते हो तो दोनों मिक्स करते हैं, छिलके वाले और बगैर छिलके वाले, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। यहाँ पे धोया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूली का जो पत्ता है वो पत्ता रखा गया है, मूली फिलहाल उसमें डाल दिया गया है दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे मैं दिखाता हूँ मूली किस तरह से डाला गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से तेल में ये मूली और मूली का पत्ता दोनों फ्राई किए जा रहे हैं, और साथ में खड़ी मिर्च है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्ते और मूली को पहले डाला गया है। आप बिल्कुल ऐसे अगर मूली और आलू का सब्जी बनाते तो सबसे पहले आपको मूली और पत्ते पहले डालने होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। अब यहाँ पे आलू धोया जा रहा है, डालने की तैयारी की जा रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू डालेंगे, चलिए आलू डाल दिए। इस तरह से हम पूरी आलू को डाल लेंगे कढ़ाई में। हाँ तो दोस्तों अभी ये गैस से बन रहा है तो गैस थोड़ा कम कर दिया गया है अभी, क्योंकि आलू डाल लेंगे पूरी तरह से, जितनी आलू हैं सारा जो कटे हुए हैं और छिले हुए हैं दोनों को डाल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले क्या क्या है, ये आप देख सकते हैं पचफोरन, खड़ी मिर्च, तेजपत्ता और क्या है हल्दी, और उसके बाद यहाँ पे जीरा हो गया, उसके बाद यहाँ पे धनिया हो गया, उसके बाद फिर से हल्दी रखा हुआ है उस स्ट्रॉल में, और मसाले में है ये मिर्च है, गुंडी मिर्च हम देख सकते हैं, लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर हो गया, बहुत ही बेस्ट स्वाद के लिए धनिया पाउडर हो गया, दो पैकेट है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन रहा तो यहाँ पे स्टॉक लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से आलू को मिक्स किया जा रहा है, पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले ऑयल में, तेल में मूली को, उसके पत्ते को और आलू को। यहाँ पे दोस्तों गैस को थोड़ा तेज़ कर दिया गया है, पहले धीमी आंच में बन रही थी, यहाँ पे हमने थोड़ा तेज़ कर दिया है गैस। अब देख सकते हैं थोड़ा देर के लिए इनको पकने छोड़ देते हैं आलू को, आलू और मूली और जो पत्ते हैं थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देते हैं, कम से कम मान के चलिए वही 10-15 मिनट के लिए। चलिए अब देख सकते हैं कलर काफ़ी चेंज हो चुका है और इसमें से काफ़ी धुएं धुएं जैसा उड़ रहा है, भाप जो होते हैं उनके, देख सकते हैं किस प्रकार से कलर हो गया, बिल्कुल पीला पीला दिखाई दे रहा है बगैर हल्दी डाले हुए, अभी हल्दी डाला नहीं है, हल्दी डालेगा तो और कलर आ जाएंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे गैस को फिर से थोड़ा सा तेज कर दिया गया है और यहाँ पे मिक्स करेंगे फिर से वापस। अब देख सकते हैं कितनी तेज है गैस, और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए फिर से छोड़ते हैं पकने के लिए, अभी थोड़ी देर आराम से पक लेने दीजिए, उसके बाद मसाले जो होते हैं ना इसमें ऑयल में प्रॉपर, ये आलू हो गया आपका, मूली हो गया, पत्ते हो गए, खड़ी मिर्च जो डाले गए हैं वो सारा ऑयल में मिक्स हो जाए प्रॉपर तरीके से, इसके लिए कुछ देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। फिर से मिक्स कर रहा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं काफ़ी पानी जो है अभी आलू के साथ जो पानी आया ना वो उड़ रहे हैं, मतलब उसको उड़ने के लिए छोड़ दिए गए हैं ताकि मसाले जो डालेंगे प्रॉपर आलू में, मूली में और उसके पत्ते में मिक्स हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से
हरी मिर्च, हरी मिर्च को यहाँ पे हम लोग गुंडी कर लेते हैं और देखिए कितनी मात्रा में हरी मिर्च डाल रहे हैं यहाँ पर। ये सारे हरी मिर्च डाल दिए हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से हरी मिर्च को गुंडी करके और इसमें डाल लेंगे। देख सकते हैं, सामने ले जाके दिखा रहे हैं आपको, हम देख सकते हैं किस प्रकार से सारी जो मिर्च हैं वो गुंडी हो चुके हैं, प्रॉपर तरीके से भी नहीं हुए हैं, थोड़ा बाकी है। चलिए यहाँ पे डाल दिया गया है यहाँ पे हरी मिर्च, और ये मिक्स कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मिर्च होते हैं वो हर एक आलू में और मूली में प्रॉपर तरीके से मिल जाए। और यहाँ पे अदरक, अदरक को भी उसी प्रकार से जिस तरह से हरी मिर्च को गुंडी किया गया है, ठीक उसी प्रकार से अदरक को भी यहाँ पे हम लोग गुंडी कर लेंगे। ये नमक डाल दिया, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत नमक डाला है अभी, और नमक लगेंगे इसमें, इतनी सी तो काम चलेंगे नहीं। चलिए यहाँ पे लाल मिर्च का जो पाउडर है वो भी डल चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये अदरक भी डल जाएंगे थोड़ी देर में। ये और नमक दे रहे हैं यहाँ पे, इतनी मात्रा में नमक दे देना है आपको, ठीक इसी प्रकार से। और आप इसी तरह से बिल्कुल लगभग 100 लोगों की इस्टीमेट तो आराम से बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं अभी मिक्स करके छोड़ दिया गया है, फिर अदरक डालेंगे उसके बाद से फिर मिक्स करेंगे, उसके बाद कुछ और जो मसाले भी बच गए हैं सारे डालेंगे और उसके बाद से प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए यहाँ पे अदरक डाल दिया, आप देख सकते हैं अदरक डल चुका है और यहाँ पे अब मिक्स होगा। अब कुछ और जो मसाले हैं वो हल्दी देखिए आप डलेगा यहाँ पे। चलिए हल्दी भी डाल दिए और ये मिक्स किया जा रहा है। आप ना मतलब लगभग 100 लोग तो आराम से इतना आलू में खा ही सकते हैं, और स्वादिष्ट भी होता है। टमाटर यहाँ पे डाला जा रहा है, बिल्कुल टमाटर डाला जा रहा है, कच्चा टमाटर, और लाल मिर्च थोड़ा और दिया गया है ताकि थोड़ा तीखी बने, स्वाद में काफ़ी बेटर होता है वो लाल मिर्च, थोड़ी तीखी ना हो तो खाने में मज़ा नहीं आता ना, जिसके चक्कर में थोड़ा और दिया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, वाव मज़ा आ रहा देखने में ही, खाने में तो और मज़ा आएगा, गजब की खुशबू आ रही है। फिलहाल आप लोगों के पास तो नहीं पहुंच रहा होगा लेकिन मैं कैमरा कर रहा हूं तो गजब की खुशबू आ रही है। यहाँ पे धनिया पाउडर भी डाल दिया गया है, अब देख सकते हैं धनिया पाउडर डल चुका है और ये मिक्स कर रहे हैं। चलिए पूरी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, सारे मसाले जो हैं उसमें घुल मिल जाए आपस में और एक मिल के एक अच्छा स्वाद बनाए। ये काफ़ी तरह से आप कलर देख सकते हैं बिल्कुल कितना चेंज हो गया, पहले कैसे दिख रहा था अभी कैसे दिख रहा है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है मसाले के साथ साथ। और यहाँ पे हम लोग अभी तो थोड़ा देर पकने देते हैं इसको। चलिए गर्म पानी डाला जा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। गर्म पानी डालने का कारण ये होता है, अगर कच्चा पानी डालते हैं आप तो इसमें जो मतलब ये गर्म हुए हैं ना वो ऑलरेडी पहले ये गर्म हुए थे
तो ये फिर ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो लेट हो जाएगा हम लोगों को, इसलिए पहले गर्म पानी करके रखे हुए हैं। गर्म पानी से थोड़ा जल्दी पकने में भी आसान होता है और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा हम लोगों का, और स्वाद भी मत पूछिए, स्वाद भी अच्छी होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गर्म पानी डाला गया है, डाल दिया गया है पूरी तरीके से। अब इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाएगा, मिक्स करके अच्छे से, और कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि वो पक जाए पूरी तरीके से, पक जाए पूरी तरीके से। यहाँ पे इतनी मात्रा में आपको पानी डाल लेना है, और गैस को भी थोड़ा और ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है ताकि अच्छे से पके। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी डाला जा रहा है काफ़ी मात्रा में। आपको अगर इतनी आलू का एस्टिमेट लेके चलते हो आप, तो कम से कम इतना पानी तो डालना ही होगा, क्योंकि पानी सोखता है ना। चलिए कुछ देर पकने के लिए छोड़ देते हैं आलू को। आप देख सकते हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में आलू कैसे बनाया जाता है, आलू की सब्जी। और मेरे साथ भाई साहब मिल के हैं जिन्होंने इसको मतलब तैयार कर रहे हैं। आप अपना नाम बता सकते हैं? इनका नाम विनोद यादव है। तो आप ये मतलब कब से ये काम कर रहे हैं? कितना? 2003 से कर रहे हैं। 2003 से ये भाई साहब ने 2003 से ये काम ज्वाइन किया है, और इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि ये खराब बनने वाला है। आप बिल्कुल देख सकते हैं इसका कलर कितना ब्यूटीफुल है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, या कहाँ के रहने वाले हो? हम सारवा प्रखंड, देवघर जिले के सारवा प्रखंड के हैं, जिया खड़ा पंचायत से, ग्राम सोखा से हैं। आप बिल्कुल, अगर आप मेरे YouTube चैनल को आप देखते हैं, लाइक कर लीजिए। और आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार करवाना है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन नंबर पर आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो चुका है खाने के लिए। और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।